लगाई छे इस बार उपज बढ़िया होते दीदी, धान बहुत सुंदर होले। नहीं नहीं अखनी एक बहुत जरूरी काम बचले है। कौन काम बाकी छे दीदी? दीदी अवस्था में दूध भरे ताले पानी के धान में बहुत जरूरी है। बाल निकलने में 10 से 15 दिन समय लगाए छे। दूध भराए में 8 दिन से 10 दिन में ये दूध भरा जाए छे। वह दूध धीरे धीरे दाना बन जाए छे। अच्छा दीदी अवस्था में नमी पर खेत में ध्यान रखना चाहिए। इस स्थिति में अगर बारिश न हो तो मशीन से पटवन कर कर धान के खेत में नमी रहे के चाहिए। अच्छा दीदी अवस्था तक धान खेत में पानी नहीं रहे पर 40 से 50% उपज कम जाए छे। खेत में पानी रहे छे ना तो अपना पौधा जरूरत के हिसाब से घिचत रहे छे। वह दूध धीरे धीरे दाना बन जाए छे। वैसे खखरी नहीं होइ छे। समझला हो ना? हाँ समझ गेलिए दीदी। गांधी कीड़ा के नाम जानला हो? हाँ धान के दुधिया अवस्था में गांधी कीड़ा के आवे के बहुत संभावना हो जाए छे। वह कीड़ा धान के दूध के चूसना शुरू कर दे। वह वजह से धान के खखरी बहुत हो जाए। पानी इसके पौधा में दूध भरत रहे छे। एहे लेल खेत में पानी रहे से जरूरी है। दाना के पुष्ट होए से धान के उपज बढ़ जाए छे। ये बहुत फायदे के बात बतलिए है। दुधिया अवस्था में धान के खेत में नमी रहे के चाहिए। वर्षा न होते दीदी तो बोर्डिंग से पानी पटाना खेत में जरूरी है।